नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जसविंदर सहगल। और मैं हूं मेधा। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में मतदान एक ही चरण में 23 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी और अनुमान है कि उसी दिन सारे नतीजे मिल जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में बताया कि राजस्थान में 5.25 करोड़ से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऑल ऑफ द अदर्स इन द latest by 16th of January 24, and there are total assembly constituencies number is 679. If you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana, तो जो ये 679 assembly constituencies हैं वो पूरी country की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली constituencies का 1/6 है। राजस्थान 5.2 3 categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी। डेट ऑफ पोल 17th नवंबर, राजस्थान 23rd नवंबर एंड तेलंगाना 30th नवंबर। वी आर डूइंग काउंटिंग ऑन 3rd ऑफ दिसंबर एंड फिनिशिंग द एंटायर इलेक्शन एक्सरसाइज ऑन 5th ऑफ दिसंबर 23। इधर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जयपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य विधानसभा में 200 सीटें हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आज से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस दौरान विभिन्न प्रतिबंध रहेंगे। 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 6 नवम्बर तक चलेगी। उसके अगले दिन इनकी जाँच की जाएगी। नामांकन वापसी के लिए 9 नवंबर की तारीख तय की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 51,756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 41,341 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राज्य में 22 लाख नए युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें सोशल मीडिया की भी सहायता ली जाएगी। निश्चित तौर पर पहला हमारा काम है कि हम उसको जानकारी दें कि उसका बूथ कहाँ पर है। सबसे पहली जानकारी है उसका नाम है तो कैसे है, अगर उसको वोटर लिस्ट में, तो वो हमारा बीएलओ, जो डोर टू डोर की बात चल रही थी अभी, तो बीएलओ डोर टू डोर ये वोटर स्लिप देने जाएगा और बताएगा जाके कि आपका वोट है, यहाँ आना है, ये स्कूल है। सोशल मीडिया का भी सहारा लेंगे और सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे फॉलोअर्स भी हैं। इस बार अतिवृद्ध मतदाताओं के लिए होम वोटिंग और ट्रांसजेंडर्स तथा दिव्यांग जनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। होम वोटिंग की प्रक्रिया सिंपल है। 12D का एक फॉर्म है जो कि बीएलओ लेकर जाएगा उनके घर घर और विकल्प मांगेगा, कंपलसरी नहीं है। ये उनका विकल्प होगा कि वो बीमार हैं, बेडरिडन हैं, ऐसे लोगों को हम लोग जो नहीं जा रहे थे बूथ पर, नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हम लोगों ने चिन्हीकरण किया है। 200 विधानसभा हैं तो 1,20,000 मतदाता लगभग होम वोटिंग करेंगे, ऐसा अनुमान है। चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप, टोल फ्री नंबर और पोर्टल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील की कि लोग बेझिझक होकर इनका इस्तेमाल करें। आप लोग से भी निवेदन है कि इस शिकायत वाले चीज को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि सी विजिल एक पोटेंट टूल है और आईटी का टूल है जो कि 100 मिनट में अपने को जानकारी दे सकेगा। इसके अलावा हमारे पास 1950 है जो आप फोन करके 1950 टोल फ्री नंबर है हमारा, तो उस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ में जो NGRS पोर्टल है हमारा, नेशनल ग्रीवियंस पोर्टल है, जिसपे जाके पोर्टल पे जाके कोई शिकायत आती रहती है। लगभग 70,000 से 80,000 शिकायतें हमको उस पोर्टल पे भी प्राप्त होती हैं। शुरू हो गया मतदाता जागरूकता अभियान। राजस्थानी है तैयार, मिलकर करने को मतदान। आगे बढ़ प्रदेश को है मजबूत बनाना, मतदान का है फर्ज निभाना। लोकतंत्र के इस उत्सव में हो सबकी भागीदारी, मतदान करना है सभी की जिम्मेदारी। लोकतंत्र का आधार, कोई वोट न जाए बेकार, मतदान जरूर करिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो राजस्थान भूभाग के नजरिए से देश का सबसे बड़ा राज्य। सुजस आवाज राजस्थान भी आपसे गुजारिश करता है कि मतदान जरूर करिएगा। जी हाँ, मतदान करना आपका अधिकार है और कर्तव्य भी। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।